हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आप लोग देख रहे हो टेक्निकल फैक्ट्स। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। अगर उस वीडियो का बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन में नहीं होगा, फिर भी आप उसको चेंज कर सकते हो। ये क्या होता है, किस तरह से होता है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना बहुत ही आसान है, आपको समझ में आया। इसके लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है मेरे मोबाइल से, आपको यहाँ पे प्ले करके उसको दिखा देता हूँ। तो हम लोग चलते हैं मेरे गैलरी में, और गैलरी में जाने के बाद मैं आप लोग यहाँ पे देखते हुए वीडियो है जिसका बैकग्राउंड आप लोग देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन कलर में नहीं है। मैंने अभी अभी इसको मेरे मोबाइल से शूट किया है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है। आपको इसको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ये जो वीडियो है इसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है, और इसका बैकग्राउंड मैं आपको चेंज करके बताऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल आपके सामने बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो मैं क्रोम को ऐसे ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम को ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो आपको सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे आपको टाइप करना है अनस्क्रीन, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, अनस्क्रीन, देखिए ये वाली आपको डिस्प्ले हो रही है अनस्क्रीन, ठीक है। ये टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो जैसे आप अनस्क्रीन लिख के एंटर करते हो तो आपके सामने सबसे पहली जो वेबसाइट ओपन होगी www.unscreen.com, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है अपलोड क्लिप का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है अपलोड क्लिप का, तो आप इसके ऊपर टैप कर दीजिएगा। और टैप करने के बाद में आपका जो मोबाइल में जहाँ पे भी आपने वीडियो रखा है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं फाइल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और फाइल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने वीडियो रखा है उस पाथ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे ये वाला वीडियो है मेरा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। देखें, फिर से मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरा नेट कनेक्शन बहुत स्लो है, इसलिए इसको टाइम लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे लिख के आ चुका है प्रिपेयरिंग अपलोड, और ये अपलोडिंग थोड़ी देर में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देखते हो अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है वीडियो की। ये डिपेंड करता है आपकी नेट के स्पीड के ऊपर, अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी होगी तो अपलोडिंग बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो मैं अभी वेट करता हूँ, अपलोडिंग जैसे ही खत्म होती है आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये अपलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, और मेरा वीडियो जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। यहाँ पे उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, और मेरा वीडियो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपेरेंट मोड में शो कर रहा है मुझे, ठीक है। अभी चाहिए तो आप इसका बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ प्रीसेट बैकग्राउंड्स है इस वेबसाइट में, तो उन्हीं को आपको यहाँ पे ऐड करके मैं दिखा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे देखिए कुछ बैकग्राउंड्स यहाँ पे इन्होंने देखे रखे हैं पहले से। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला बैकग्राउंड यहाँ पे चूज करता हूँ, तो इसको ऊपर मैंने टैप कर दिया यहाँ से। और टैप करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देखते हो इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है वीडियो का। देखिए जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रोड पर खड़ा हूँ, पीछे गाड़ियाँ चल रही है मेरी, ठीक है। तो देखिए वीडियो का बैकग्राउंड कंप्लीटली चेंज हो चुका है, और इसने बहुत ही अच्छी तरह से ये वीडियो को क्रॉप किया है, ठीक है। और आपको मैं एक दो बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाता हूँ चेंज करके। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अभी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ऐसे आपको और एक दो बैकग्राउंड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ चेंज लगा के। तो देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे लगा देता हूँ, तो देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो इस वेबसाइट की मदद से। अभी मेन बात यह आती है इसको आप एक्सपोर्ट किस तरह से करोगे। तो यहाँ पे नीचे जैसे आप आते हो, इसको स्क्रॉल करोगे आप नीचे, तो स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड का। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि डाउनलोड जो आप करोगे तो यहाँ पे जीप फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे GIF फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद में आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जो GIF टू वीडियो कन्वर्टर मिल जाता है, मतलब GIF से आपको उस इमेज को आप लोग वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, या फिर ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे जो GIF फाइल को आप वीडियो में कन्वर्ट करके आपको MP4 में कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। तो इस तरह से आप लोग किसी वीडियो का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, और इसको आप वीडियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप लोग उसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, एंड गुड बाय।